तो हेलो फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि रबर का फुल टूटी रेल लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करेंगे कि रबर प्लांट से रबर किस तरह निकलता है, कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आप सबको बताऊँगा। वीडियो में बने रहना, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं रबर बागान में ही हूँ ताकि आप लोग को शुरुआत से लास्ट तक का सब कुछ दिखा सको, किस तरह से क्या किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बागान में ही हूँ, रबर बागान में, और देखते हैं फास्ट में क्या किया जाता है, ठीक है। देख सकते हो सारा का सारा रबर बागान है, साथ में तमूल का पेड़ भी लगाया गया है, ठीक है। तो मैं फिलहाल एक पेड़ का सामने में आ गया हूँ। तो फास्ट में देखो दोस्त लोग, ये जो है ना, इसको काटा गया है, ठीक है। इसको यहाँ से काटते करते इतना नीचे तक लाया गया है, देखो काटते करते, ठीक है। ऊपर से काट के इसको इस तरह रबर निकलता है, देखो ये लिक्विड सा है, इस तरह निकल के ऐसा जमा करता है, ये लोग इसमें जमा करता है। इसको जमा करके हर एक बूथ, इधर आप देख सकते हो, इसमें भी उसी तरह का लगाया गया है, ठीक है। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक काटा गया है, इसको फिर इतना नीचे तक काटते करते लाएगा। तो इसी डिब्बा में वो लोग जमा करके दिन में कम से कम 3-4 बार कलेक्ट किया जाता है, एक बड़ा सा डिब्बा में। फिर यहाँ से लेके वो लोग कहाँ लेके जाता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी। तो ये जो आप डिब्बा देख रहे हो, इसी डिब्बा में लाया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है इस टाइप का प्लेट में। उसको एक एसिड के साथ मिलाया जाता है, और जब मिलाया जाता है तो इस टाइप का प्लेट में रखा जाता है, और वो धीरे धीरे थोड़े घंटे के बाद वो टाइट हो जाते हैं। मतलब टाइट होने के बाद ये लोग ऐसा बनता है, और जब रबर इस तरह का बन जाता है तो इसको एक मशीन में लेके इसको फ्लैट किया जाता है, ठीक है। तो उसको उससे पहले ले जाने से पहले उसको तैयार किया जाता है, और जब बन के तैयार हो जाता है इस टाइप से, तो उसको ले के जाता है एक मशीन में। और जब मशीन में लेके जाता है तो इस वाला मशीन में, जब इस टाइप का मशीन में लेके आता है तो वो लोग एक तरफ दूसरा आदमी घुमाएगा और एक लगे रहेगा बनाने में, फ्लैट बनाएगा वो लोग, उसको जितना भी हो सके फ्लैट बनाता है। जब ये फ्लैट बनाएगा बर बर करते रहेगा, उसमें घुसाएगा, फिर जब तक फ्लैट ना बने वो लोग उधर करते रहेगा। जब 3-4 बार करेगा तो पूरा फ्लैट बनने के बाद वो लोग फिर दूसरा वाला में ट्रांसफ़र कर देगा। ये दूसरा वाला मशीन है, इसमें भी वही करता है, लेकिन इसमें ये दूसरा टाइप का मशीन है। इस मशीन में कुछ मार्क जैसे वो हो जाता है उसिया में, रबर में। जब इसमें भी बन के रेडी हो जाता है तो वो लोग फिर इसको क्या करता है, फिर इसको ले जाता है इधर में सुखाने के लिए, जब ये धूप में सुखा के टाइट हो जाता है तो इधर में कुछ घंटे या एक दिन पूरा 2 दिन सुखाएगा। ये लोग बहुत सुखाता है रोद में। जब ये तो अभी सफ़ेद सा लग रहा है, वाइट। जब ये सूख जाता है तो ये इस टाइप का कलर दिखने लगता है, ये इस टाइप हो जाता है। जब सूखने के बाद तो ये ऐसा बन जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। और ये जब धूप में सुखाना हो जाता है तो ये लोग लेके आता है डायरेक्ट एक आग के ऊपर में सुखाने के लिए। तब ये इसको स्मोक देना पड़ता है, जो स्मोक में एटलीस्ट 2-3 दिन देगा, स्मोक देगा, उसके बाद ये मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसके बाद मार्केट में सेल किया जाता है, और इसका प्राइस कम से कम रहता है एक किलो में 250-200, ऐसे कभी ऊपर नीचे होते रहता है बिजनेस में। तो इस तरह से ये लोग मार्केट में सेल करता है। तो दोस्तों, रबर किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है शायद आप सबको समझ में आ गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करना भाई लोग, शेयर कर देना और सपोर्ट ऐसे ही देना, ताकि आगे अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहता हूँ, तुम लोग को मिलते रहेगा। कोई अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा देना। और चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।